बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहूँगी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कुक विद मलाइका। और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की फजल से आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त किस्म के चीज ब्रेड फिंगर्स। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी ग्रेटेड मोज़रेला चीज, और ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम ले ली है। और हम अभी रेड पेपर को हम काट लेंगे, और सबसे पहले हम टॉप से काट लेंगे और जो इसके सीड्स हैं हमने उसको इसमें से निकाल लेना है, और यहाँ से भी इसे काट लेंगे। इसको हमने करना है बेसिकली हमने इसको करना है चॉप्ड, हमने बिल्कुल बारीक बारीक इसको चॉप्ड करना है। और ये सारे जो इसके सीड हैं हम इस तरह ये देखें सब निकालेंगे। ये कितनी आसानी से निकल गए हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे वैसे आप निकाल लें सीड्स को। और यहाँ पर इसको भी हम ले लेंगे और ये हम फेंक देंगे, इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करेंगे स्लाइस। ठीक है, और बस आप स्लाइस कर लें जिस तरह आपको आसान लगता है, जिस तरह आपको इजी लगता है। आप रेड पेपर की जगह यहाँ पर आप येलो पेपर जो है और ग्रीन पेपर जो भी आपको अच्छा कलर लगता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसको चॉप्ड कर लेंगे, आप जितना बारीक चॉप्ड कर सकते हैं कर लीजिएगा। और इस रेड पेपर को हम चीज में ऐड कर लेंगे। अब हम चॉप्ड करेंगे हमारी ग्रीन चिलीज। मैं तकरीबन इसमें सिर्फ दो इस्तेमाल करूंगी, और अब हम ग्रीन चिलीज को काट लेंगे। ज्यादा हम इसको स्पाइसी नहीं बनाएंगे, अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू भी नहीं है। इसको पहले हम मिडल से काट लेंगे और ऊपर से भी हम इसको काट लेंगे। इस तरह एक मिर्च के हम दो पीस कर लेंगे। और अब जो हमारी हरी मिर्चें हैं हम क्या करेंगे, जो उसके सीड्स हैं इस तरह हम स्पून की मदद से निकाल लेंगे, क्योंकि जो इसके सीड्स हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने हाथ में ग्लव्स पहन लिए हैं, मैंने कहा हरी मिर्चें हैं, माइल्ड हैं लेकिन कोई एतबार नहीं है, लग सकती हैं। तो चलें खैर इनको हम चॉप्ड करते हैं बारीक बारीक। ठीक है, बस इस तरह इसको बिल्कुल बारीक फाइन इसको चॉप्ड कर लेना है हमने। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 पिंच ब्लैक पेपर पिसा हुआ। तो जनाब अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ब्रेड फिंगर्स की जो स्टफिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी है रेडी। इसको हम करते हैं साइड पर और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। और अब हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइस। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इनके जो किनारे हैं उनको हम काट लेंगे। और ये जो हमारे हैं ना ब्रेड के किनारे, इसको हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। होममेड जबरदस्त किस्म के ब्रेड क्रम्स हम तैयार कर सकते हैं, बस ग्राइंडर जार में डालें, इसको ग्राइंड करें और इसको जिप लॉक बैग में डालकर इसको फ्रिज में रख लें, और जब भी आपको जरूरत पड़े अपनी रेसिपीज के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। और अगर आपके आगे पीछे घर के पास बहुत सारे बर्ड्स हैं या आपके घर के ऊपर छत है तो वहां जाके बर्ड्स को जाके ये दे दीजिए, वो खाएंगे आपको दुआएं देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइस को हम बेलन की मदद से दोनों साइडों से हम इसको बेल लेंगे, ताकि जो ब्रेड का स्लाइस है थोड़ा सा पतला हो जाए। और जब हम इसमें चीज़ स्टफिंग इसमें हम भरें तो ये आसानी से फोल्ड हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमने इसका रोल बनाना है, इसको हमने इस तरह बेल लेना है। देखें इतना बारीक सा हमने इसको कर लेना है। और अब हम ब्रेड के स्लाइस पर हमने जो चीज़ स्टफिंग रेडी की है वो इसके ऊपर रख देंगे, अच्छे से प्रेस कर देंगे दबाकर। थोड़ा सा हम फिंगर की मदद से ही इसके ऊपर साइड्स पर थोड़ा पानी लगा देंगे, इससे ये होगा कि जब हम इसे फोल्ड करेंगे जो तो हमारी जो ब्रेड है अच्छे से स्टिक हो जाएगी। अगर आप चाहें तो ब्रश की मदद से या तो आप स्पून की मदद से भी इस पर पानी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने फिंगर्स का इस्तेमाल किया है। अब आराम से इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे,
बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। ये देखें अच्छे से फोल्ड हो चुका है। अब हम इस साइड को पानी में डिप करके आराम आराम से इस तरह हम इसको स्टिक कर देंगे। ये जो साइड है अच्छे से सील हो चुकी है। और दूसरी साइड पर भी हम थोड़ा सा पानी लगाकर इसी तरह फिंगर की मदद से थोड़ा प्रेस करके अच्छे से हम इसको सील कर लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की हमारी दूसरी साइड भी सील हो चुकी है। चलिए आपको एक और बना के दिखा देते हैं। चीज जो आपने रेडी की हुई उसको इस तरह हाथों में लेकर इस तरह करके आप इकट्ठा कर ले। मैंने कहा आपको दो तरीके बता दूं जो तरीका आपको इजी लगता है, ठीक है। इस तरह आप इसको एक रोल की शक्ल दे दें। इसे जब मैं कर लिया आपको जो तरीका अच्छा लगता है वैसे कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह कर लिया हमने और हम इस तरह इसमें रख कर, ठीक है, इस तरह हम इसको बंद कर लेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बड़ा आसानी से हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और पानी में से फिंगर्स को डिप्स कर लेंगे, थोड़ा पानी लगा देंगे इस तरह करके। बस इस तरह हमने इसको रोल कर लेना है। देख कितना इजी है, इसको हटा लेंगे। और यहाँ पर वही सेम प्रोसीजर हमारा होगा, थोड़ा डिप किया पानी में, इस साइड को भी, इस साइड को भी, ये हो गया, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए जो आपको इजी लगे। ये बहुत अच्छे से सील हो चुका है, आप ये मत सोचिए कि अच्छे से सील नहीं हुआ, ये बड़े अच्छे से सील हो चुका है। और जब हम अंडे में इसको डिप करके हम ब्रेड क्रम्स में हम दोबारा से करेंगे तो ज़बरदस्त इस किस्म का ये सील हो चुका होगा। अब हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, और जो मैंने आपको तरीका बताया है आप वैसे बनाकर इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने लिए हैं रेडीमेड, और यहाँ पर तकरीबन 4 अदद मैंने ले लिए हैं अंडे, और अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और अब हम चीज़ ब्रेड फिंगर को हम क्या करेंगे कि अंडे में अच्छे से डिप करके कोट कर लेंगे, और साथ ही हम क्या करेंगे जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं उसमें भी अच्छे से हम रोल रोल करके अच्छे से हम क्रम्स में इसको कोट कर लेंगे। और ये देखें अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो चुकी है, और जो बाकी है उनको भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे जो चीज़ी ब्रेड फिंगर्स हैं उनको मैंने अच्छे से कोट कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और एक तरीका मैं आपको और बताऊँगी कि आप जब इस तरह बनाएं इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए तो जरूरत पड़े, दिल करे कुछ चीज़ी खाने का, तो बस इसको निकाला और डीप फ्राई कर लिया, ठीक है। हम इसको डीप फ्राई करते हैं। अभी इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए फ्राई करते हैं इसको। तो ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, और इसमें एक एक करके हमारे जो चीज़ी ब्रेड फिंगर्स हैं उनको हम ऑयल में डालकर डीप फ्राई कर लेंगे। और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और जो फ्लेम है इस वक्त मैंने रखी हुई है मीडियम। चेक कर लेते हैं इसमें, ये देखें बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा इसको कलर आ चुका है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। यम, देखा कितने चीजी जबरदस्त किस्म के लग रहे हैं, कलरफुल। इसको गर्म गर्म खाने का अपना ही कुछ मजा है। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारे जबरदस्त किस्म के चीज ब्रेड फिंगर्स हो चुके हैं रेडी, बहुत ही मजेदार किस्म के बने हैं। और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और इसको गर्म गर्म सर्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।